उज्जैन काल के काल में कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ नौ दिवस से श्री राम कथा और राम घाट से 21 रथों के साथ देश भर के संत भी शामिल थे। राम घाट से सोमवार सुबह साधु संत यात्रा के रूप में अखाड़े पहुंचे। यहां पर यज्ञ शुरू हुआ। शोभा यात्रा के साथ ही शुरू हुआ खाके खाड़ी में पुष्य अमृत महोत्सव। पात्र स्थित पंच नंदनीय खाके अखाड़े में आज से पुष्य अमृत महोत्सव का शुभारंभ हो गया है और संतों ने सुबह रामघाट से पेशवाई निकाली तथा शिप्रा का जल लेकर अखाड़ा परिसर में बनी लकड़ी की यज्ञशाला में पहुंचे। यहाँ स्थापना के साथ ही हवन यज्ञ शुरू हो गया और यहाँ पर गुरु पंचामृत नवम पुष्प अमृत महोत्सव की शुरुआत खाके अखाड़े में आज सुबह भव्य शोभा यात्रा के साथ हो गई है। संतों ने आज सुबह रामघाट पर एकत्रित होकर भक्तोक्त रीति से शिप्रा गंगा का पूजन किया और रामघाट से जल लेकर नगर यात्रा की शुरुआत की। यहां पर यात्रा में हाथी घोड़े ऊंट पालकी के अलावा रथ भी शामिल थे और इस दौरान स्थानीय और बाहर से आए संत भी यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। यात्रा के लिए खाके अखाड़े पहुंचने के बाद यहां पर जल यज्ञशाला में स्थापित किया गया और साथ ही हवन कुंड में अग्नि स्थापित कर औषधि युक्त सामग्री से आहूति पड़ना शुरू हुई। इस दौरान महोत्सव के लिए मंदिर को पुष्पों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया तो वहीं भगवान का अद्भुत श्रृंगार भी किया गया। महायज्ञ के लिए विशाल लकड़ी की यज्ञशाला बनाई गई। महंत अर्जुन दास ठाकरे बताया कि गुरुदेव राम दुलारी दास महाराज को समर्पित इस धार्मिक कार्यक्रम में आगामी 7 जनवरी तक विविध आयोजन होंगे तथा इस दिन पूर्णाहुति के साथ महाआरती और हर्षण की जाएगी।